है सूरजपुर की घड़ी? कहाँ है सूरजपुर की घड़ी? यही है सूरजपुर की घड़ी। मिल गई, जो वहां के लोगों की जिंदगियों का नियंत्रण करती है। अब मैं सूरजपुर के लोगों की उम्र की चाली बदल दूंगा। जैसे इस घड़ी की कांटों की गति में बढ़ाऊंगा, वैसे ही सूरजपुर के लोगों की उम्र भी उतनी ही तेज भागेगी। वहां के सारे लोग बूढ़े हो जाएंगे। जवान बूढ़े और बच्चे और बूढ़े हो जाएंगे। और ये घड़ी का काटा मेरे काले जादू से बना हुआ है। इस सूरजपुर की उम्र की घड़ी की गति ऐसे बदलेगी जैसे बड़ों की उम्र दोगुनी, बच्चों की उम्र चार गुनी दिल से भागेगी। अब मौत का सालों साल इंतजार करना नहीं पड़ेगा, जिंदगी घंटों में नापी जाएगी। 70 साल में मरने वाला 7 दिनों में मर जाएगा। सूरजपुर के बच्चों को 24 घंटे में लाठी लेकर चलना पड़ेगा और बूढ़े लोग भगवान को प्यारे हो जाएंगे। गुरु काल इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। हम बादशाह गुरुकाल, मुझे माफ कर दो गुरुकाल, सूरजपुर को बख्श दो। हर घर में लोग दम तोड़ रहे, तुम जीत गए, ले लो मायावी चाबी, पर इन बेचारे लोगों को कुछ मत करो। नीचे रख चाबी। देखा गुरु घंटाल, मेरा किया हुआ वादा पूरा हुआ। मेरे कदमों में मायावी चाबी है। अब मैं ही हूं रुद्र और कुबेर के खजाने का मालिक। तीनों लोक मेरी मुट्ठी में है। हर तरफ फैला है मेरा काला साम्राज्य। अबे चाबी तो देनी पड़ी ना। लेकिन गुरु घंटाल ने तो बताया था कि सूरजपुर की घड़ी पर कवच है, पर यहां तो कोई कवच नहीं है। अरे यह है सूरजपुर की घड़ी, ये जिसको मैं सूरजपुर की घड़ी समझ रहा था वो तो सूर्यपुर की घड़ी है। असली घड़ी तो यह है। ये क्या? इस घड़ी की सुरक्षा तो सफेद शक्तियों का कवच कर रहा है। जब तक किसी सफेद मायावी का हाथ नहीं लग जाता, मैं इसकी सुई को अपनी काली शक्ति के कांटे से नहीं बदल सकता। अब देखो गुरु काल की शातिरचा, मेरा ये काम अभी करेगा। तो मैंने कब कहा कि टिफिन वापस मत ले, पकड़ सकता है तो ले ले। गाइस ये चिंटू का नाटक तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ बॉस, ये तो बन गया स्कूल का गुरुकाल। तो असली गुरुकाल की तरह इसकी भी हवा टाइट कर देते हुए।
पहले इस बच्चे का टिफिन वापस दिलवाते। हाँ बॉस, हमेशा के लिए चिंटू नाम के सरदार का इलाज कर देते। कोई गूगल आइडिया सोचो बॉस। मेरे पास एक आइडिया है गाइस, चलो। आओ आओ गुरुकाल, आपने तो डंका बजा दिया, मान गया आपको। ये सब आपने किया कैसे? कालों के काल गुरुकाल। ये सब तो मेरे जादू के लिए बाएं हाथ का खेल है। पर जो भी हो गुरुकाल, आपने तो फंसा दिया ना अभी के अंटे में बंटे का संता। अभी असली काम तो बाकी है, जो अभी करेगा अभी। हाँ। कर बेटा। ये अचानक से क्या हो गया बॉस? ओए, ये कौन है और चिंटू कहाँ गया? ओए चिंटू, ये कौन सा नया नाटक है और ये क्या तू बुड्ढू की तरह सफेद बाल लेके घूम रहा है? पाठक, हाँ पाठक। पाठक नहीं, नाटक। कौन कौन हो भाई? मेरी इन बुरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तेरा पास आओ। ले आगे पास, बस तू अपना नाटक बंद कर, समझा ना? नाटक तो हमारे साथ हुआ है बेटा। ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई, जोरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे ठीक कर दो, आज के बाद कभी किसी का टिफिन नहीं छीनूंगा। गाइस, पता नहीं इसके साथ कुछ तो हुआ है। सिर्फ यही नहीं बॉस, सबके साथ कुछ हो गया है। हाँ ओए, थाल में जरूर कुछ काल है। चलो पापा से इसके बारे में पूछते, उन्हें कुछ ना कुछ तो जरूर पता होगा। ओए, हम यहाँ से निकल रहे तो मैं मेरे स्पीड वाले शूज भी पहन लेता हूँ ताकि मैं घर जल्दी पहुंच सकूं, ठीक है? हाँ बॉस। कितनी भी कोशिश कर लो अभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने सूरजपुर की उम्र की घड़ी के कांटे को अपनी काली शक्ति के कांटे से बदल लिया है। अब सूरजपुर के लोग समय के पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? अब देखना सूरजपुर के लोगों का कैसे होता है अंटे में बंटे का संता। सब के सब बुढ़े होकर मर जाएंगे और पूरा पूरा सूरजपुर स्मशान बन जाएगा। नहीं, मैं उससे पहले घड़ी की असली सुई तुमसे लेकर सब ठीक कर दूंगा। इस गुरुकाल की तो आर्या पार जीते भी सुखी रफ्तार। विशु,
इसके तो चार रूप हो गए, बस सबके हाथ में सुनहरी सुई है। मैं बताता हूँ असली कौन है। ये वो रिया है। ये नहीं, ये लो चाहिए हाथ में। तू ठीक तो है ना? हाँ। चलो गैस, अब इन जल्दी से असली सुई के कांटे को सूरजपुर की घड़ी में वापस लगाना होगा। चलो। यार ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मेरा काम हो गया। फंस गए बच्चे मेरी चाल में। अब अभी मेरी बुराई के कांटे को सूरजपुर लगा देगा और असल में सूरजपुर के लोग बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े। और मजबूरन अभी को वो रुद्र चाबी मुझे देनी। गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी मुंबासा। मैं नगरी तो यही है। मैं पापा से पूछे बिना यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी हमने तेरे पापा को कितना ढूंढा पर वो हमें नहीं मिले। हाँ बॉस, और तूने तो हमें कहा था कि हम तेरे पापा को ढूंढने में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ गाइस, और अब हम यहाँ आ गए तो हमें जल्दी से सूरजपुर की उम्र की घड़ी ढूंढ लेनी चाहिए। बस मुझे असली सुई लगा देनी चाहिए। इसकी तू ओए, यहाँ पर तो कितनी सारी घड़ियाँ हैं, लेकिन इनमें से सूरजपुर की घड़ी कौन सी है ये हमें कैसे पता चलेगा? बॉस, जादुई किताब में लिखा था कि सूरजपुर की घड़ी सोने की है और उस पर ऐसा सुरक्षा कवच है कि उसे सिर्फ रुद्र के रक्षक ही खोल सकते हैं। गाइस, मिल गई, वो देखो वो रही सूरजपुर की घड़ी। चलो जल्दी। गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी मुंबासा। नाम है गुरुकाल, कभी ना जाए मेरी चाल। खुद सफेद मायावियों ने काली शक्तियों के लिए रास्ता साफ कर दिया। कालों के काल गुरु काल। घड़ी की सारी सुई तो काली हो गई। जो मैं नहीं कर सका वो तुम लोगों ने कर दिया। सूरजपुर के लोगों के जीवन का सर्वनाश कर दिया। बस ये सब गुरुकाल की एक चाल थी। हमें उस बुराई के कांटे को घड़ी की असली सुई से बदलना होगा।
तोड़ दो काटा, काटा निकालने से घड़ी बंद हो जाए और घड़ी बंद हो गई तो सूरजपुर के लोग मर जाएंगे। अब तुम लोगों के पास कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। असली सी तो मेरे पास है, अगर ये चाहिए तो कर दो मेरे हवाले रुद्र की वो मायावी चाबी, नहीं तो सूरजपुर की उम्र की घड़ी ऐसे ही चलती रहेगी और सूरजपुर के लोग और तुम्हारे माँ बाप बूढ़े होके मर जाएंगे। अगर उनकी जिंदगी प्यारी है तो मुझे वो मायावी चाबी दे दो। नहीं गुरुकाल, ऐसा कभी नहीं होगा। ना तुम्हें चाबी मिलेगी, ना कुबेर का खजाना और ना ही रुद्र। तो भुक तो अपने किए का फल। ये सुई ऐसी जगह छुपाऊंगा समय का अंत हो जाएगा, तुम लोगों को भी सुई नहीं मिलेगी। कल कहाँ गायब हो गया? बस मुझे वो पता नहीं, पर अब हम क्या करेंगे, कैसे पूछेंगे उससे? कैसली वापस करो, जरूर पापा को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, हो सकता है वो हमें बता दे कि गुरुकाल छुरी को कहाँ छुपा सकता है। हाँ बॉस, चलो जल्दी। पापा, दादी, 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 क्या हो गया आपको? लगता है सूरजपुर में किसी ने उम्र की घड़ी तेज कर दी है। हाँ पापा। कुछ तो बताओ पापा। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों? ये सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया होता, अब इसी से तेजी से अगर समय चलता रहा तो पूरा सूरजपुर 4 घंटे में बूढ़ा होकर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें गुरुकाल की काली सुई को असली सुई से बदलना ही होगा। महाराज, बाहर सूरजपुर में बच्चे भी बड़ी तेजी से बड़े हो रहे हैं,